गुड मॉर्निंग गाइस, आज दोपहर के लिए क्या बनाऊंगी थोड़ी दिखाऊंगी। ये है सुबह का मतलब चाय बना रही हूँ जो हम लोग की घर पे मिस्त्री काम कर रही है। एक जन ही आए हैं, उसके लिए पापड़ फ्राई कर ली, थोड़ी बहुत हम लोग भी खा लूँगी और गर्मा गर्म दूध चाय उसके साथ। दूध चाय बहुत पसंद है बाबा को भी, सो इसलिए 2 कप मतलब दूध चाय बना रही हूँ। और ये देखो ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ, एक चाव बना रही हूँ सिंपल, मतलब पत्ता गोभी और कैप्सिकम और प्याज ऐसे ब्लैक पेपर। ये देखो एक भुर्जी करके दे दिया, मतलब एक चाव में ही बना रही हूँ क्योंकि बाबा को बहुत पसंद है, उसके लिए मैं स्पेशली बना रही हूँ। और ये देखो बाबा आ गए खाने के लिए, अभी दे रही हूँ। मुझे तो वेज सा और ज़्यादा पसंद है, अभी एक चाव बनाई है इसके लिए। देखो कलर भी बहुत अच्छी आई है। और दोपहर के लिए रेसिपी नहीं लाई, लेकिन क्या बनाई वही दिख रहा। लोकल चिकन लाए थे, सो चिकन करी मतलब देसी स्टाइल में बना रही हूँ। जो जो चाहिए मसाले में, मतलब जीरा, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर, हरा मिर्चा, प्याज, लहसुन, अदरक दे के ही ऐसे सिंपल तरीके से मैं चिकन करी बना दी। सो देखो कलर भी बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि लाल मिर्च जो कलर होती है ना वो दी है। और साथ में ये है बाहू मांस की माथा जो मैं मुरी घंटा बना रही हूँ। ये आलू फ्राई कर ली पहले और चावल भिगो के रखी थी। ये देखो मसाले के साथ चावल देके मैं फ्राई कर रही हूँ, प्याज लहसुन अदरक सब भी मसाले है, गरम मसाले देके फ्राई कर रही हूँ। सो गाइस ये देखो मैं अच्छे से चावल को फ्राई कर रही हूँ सभी मसाले के साथ। इलायची, दालचीनी, लौंग साथ में सब कुछ दे दी थी। ये देखो मछली की माथा भी दे दी मैंने। अभी मिक्स करके, अच्छे से मिक्स करके थोड़ी पानी दे दूँगी गाइस। और देखो और हम लोग की घर की काम भी चल रही है, इतनी आवाज़ शोर शराबा आ रही है ना गाइस। ये देखो थोड़ी पानी दे रही हूँ पकने के लिए, थोड़ी टाइम में ढक्कन लगा के रख दूँगी। आलू भी दे दी क्योंकि आलू मैं पहले ही फ्राई करके रखी थी। कलर भी बहुत अच्छी आ रही है, देखो मैं थोड़ी लाल मिर्च कलर भी दे रही थी। ये उबाल आने लगी है, थोड़ी थोड़ी मतलब पकने लगी है और खुशबू तो बहुत मतलब अच्छी आ रही है। फाइनली मेरा मूढ़ी घंटा रेडी हो गई है, पानी भी सूख गई है और आज की दोपहर की खाने पे यही थी। खाने की आइटम कैसी लगी गाइस?